नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। बढ़ते गर्मी के बीच बिहार के निजी और सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों को अब गर्मी की छुट्टियां मिलने वाली है। दक्षिण बिहार में लू की बढ़ती समस्या के बीच स्कूल जाने वाले छात्र काफी परेशान नजर आ रहे थे। ऐसे में अब जिला प्रशासन ने स्कूलों में छुट्टी का ऐलान कर दिया है। जिला प्रशासन की तरफ से किए गए ऐलान के बाद 23 मई से 14 जून तक सभी निजी और सरकारी स्कूल को बंद करने का ऐलान कर दिया गया है। छात्रों को केवल 21 मई तक ही अब स्कूल जाना होगा। हालांकि बच्चों को गर्मी से हो रही परेशानी को देखते हुए पहले ही प्रशासन ने स्कूल आने जाने के समय को घटा दिया था, यानी कि बच्चों का स्कूल सुबह जल्दी शुरू कर दिया जाता था और उसे दोपहर खत्म होने से पहले बंद भी कर दिया जाता था, जिससे बच्चा गर्मी की मार के कारण परेशान ना हो। हालांकि स्कूलों को तो बंद करने का निर्णय ले लिया गया है, लेकिन निजी स्कूल अभी भी इसके पक्ष में नहीं है, क्योंकि कोरोना की तीन लहरों में स्कूल कॉलेज सबसे ज्यादा दिनों तक बंद रहे थे। ऑनलाइन क्लासेस तो हुई, लेकिन उसका फायदा कुछ खास नहीं हो सका। बच्चों का काफी सिलेबस बच ही जाता था, जिसको पूरा करवाना स्कूलों के लिए बड़ी चुनौती बन जाती थी। इस बार भी सिलेबस में बच्चे काफी पीछे हैं, क्योंकि तीसरी लहर के बाद स्कूल काफी दिनों तक बंद रहे थे। ऐसे में ही अब निजी स्कूल तो यही सोच रहे थे कि एक बार सिलेबस खत्म हो जाए उसके बाद ही कोई निर्णय लेंगे, लेकिन अब तो आधिकारिक तौर पर स्कूल बंद करने का निर्णय ले लिया गया है। यानी कि अब कोई भी स्कूल चाहे या ना चाहे, स्कूलों को किसी भी हाल में 23 मई से बंद करना ही होगा। वहीं अब स्कूलों की छुट्टी के ऐलान के बाद अभिभावकों के चेहरे पर भी रौनक नजर आ रही है, क्योंकि बढ़ती गर्मी के कारण कई बच्चे बीमार पड़ रहे थे। ऐसे में उन बच्चों की क्लासेस भी काफी ज्यादा मिस हो रही थी, लेकिन अब क्लास ही बंद होने वाले हैं, जिससे बच्चे भी काफी खुश हैं कि उन्हें जल्द ही गर्मी की छुट्टियां मिलने वाली है। हालांकि अब स्कूल प्रशासन के सामने इस बात की चुनौती जरूर उत्पन्न हो गई है कि अब बच्चे कैसे अपना सिलेबस खत्म करेंगे, लेकिन छुट्टियां ज्यादा दिनों की नहीं है। ऐसे में उम्मीद है कि स्कूल भी समय पर अपना सिलेबस खत्म करने में कामयाब रहेंगे और समय पर बच्चे परीक्षा के लिए भी तैयार हो जाएंगे, क्योंकि कोरोना काल में प्रभावित तो दुनिया भर का हर वर्ग हुआ, लेकिन शिक्षण संस्थान और बच्चों की पढ़ाई अभी तक पटरी पर वापस नहीं आ सकी है। इसका एक कारण बच्चों की वैक्सीनेशन का भी देरी से होना है। कोरोना काल में बच्चों के वैक्सीनेशन की प्रक्रिया सबसे आखिरी में शुरू हुई, जो कि इसी साल शुरू हुई है। ऐसे में बच्चों को कोरोना की इस लहर में सुरक्षित रखने में देरी होना का सीधा असर उनके स्कूल और कॉलेज पर पड़ा। हालांकि अब कोरोना भी नियंत्रित है और बच्चे भी वैक्सीनेटेड हैं, ऐसे में उम्मीद है कि आने वाले कुछ महीने में बच्चों की शिक्षा की गाड़ी वापस से पटरी पर आ जाएगी। फिलहाल बच्चे खुशी से अपने समर वेकेशन की तैयारी कर सकते हैं। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।